उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा की गठन के लिए मतगणना लगातार जारी है। आज के नतीजों के बाद ये साफ हो जाएगा कि प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाकर कीर्तिमान रचती है या सपा 5 साल के बाद फिर सत्ता में लौटती है। हालांकि शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। सुबह 9:44 पर बीजेपी ने बहुमत के लिए 202 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी का आंकड़ा भी 100 पार पहुंच गया है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी काफी पीछे नजर आ रही है। यूपी में इन दोनों पार्टियों का आंकड़ा सिंगल डिजिट में है। दोनों ही पार्टी की सियासत खतरे में नजर आ रही है। वोट प्रतिशत के मामले में इस बार भी बीजेपी सबसे आगे है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार 9:30 बजे तक बीजेपी का वोट प्रतिशत 41.2% था। इसके बाद समाजवादी पार्टी 29.7% वोट प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर रही। वहीं बसपा के खाते में अभी तक सिर्फ 14.4% वोट प्रतिशत ही आया है। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 4,442 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। इसमें 560 महिलाएं हैं। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की मतगणना के लिए सभी 403 विधानसभा में एक एक प्रेक्षक तैनात है। मतगणना के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कुल 84 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें आगरा में 5, अमेठी, अंबेडकर नगर, देवरिया, मेरठ और आजमगढ़ में 2-2 और बाकी जिलों में एक एक मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थल पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सैनिटाइजर, मास्क, दस्ताने और थर्मल स्कैनर की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 312, समाजवादी पार्टी को 47, बहुजन समाज पार्टी को 19, अपना दल एस को 9, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 4, निर्दलीय को 3 और निषाद पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल को 1-1 सीट मिली थी। 2022 के एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने का दावा किया गया है। हालांकि उनमें सपा की सीटों की संख्या पहले से अधिक होने की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा बसपा के दहाई के अंक तक सिमट जाने और कांग्रेस को 10 से कम सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।